हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला। फैसले के बाद राज्य सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटाया। हाटी समुदाय को मिला जनजातीय दर्जा। नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार का जताया आभार। कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध जारी। पूरे देश के साथ साथ हिमाचल में भी दिख रहा असर। शिमला में महज 3 पेट्रोल पंप पर ही मिल रहा पेट्रोल। बद्दी में हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रदर्शन। ट्रक चालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जल्द कानून वापस लेने की उठाई मांग। सोलन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाइजीरियन चिट्टा तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक। एक और तस्कर को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद से राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटा दिया है। कुंडू को अब प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द नए डीजीपी की तैनाती की जाएगी और इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल कॉर्डर के पुलिस अधिकारियों की बात करें तो इनमें वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी 1988 बैच के तपन कुमार डेका है और डीजीपी संजय कुंडू 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो वरिष्ठता में डेका के बाद आते हैं। डेका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और अभी उच्च पद पर आसीन हैं। वहीं संजय कुंडू वैसे भी अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था और पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हाटी को जनजातीय दर्जा दिलाने में बीजेपी का पूर्ण योगदान है, लेकिन अब श्रेय लेने के लिए कांग्रेस नेता आगे आ रहे हैं। हाटी के मुद्दे पर श्रेय लेने वाले नेताओं को लज्जा आने की बात उन्होंने कही। हाटी की मांग बहुत लंबे समय से थी, लगभग 58 वर्षों से थी और सफलता हासिल हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये संभव नहीं था उनके सहयोग के बिना हम इसमें सफल हुए हैं। और सही मायने में हाटी की इस मांग को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में हिमाचल प्रदेश में जब थी तो काम किया। प्रस्ताव पारित करने के बाद कैबिनेट से दिल्ली भेजा गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई जी ने उसमें पूरा सहयोग दिया और आखिरकार लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। और जहां तक आज इसका श्रेय लेने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उनको लज्जा आनी चाहिए ऐसी बातें कहते हुए। जो भी इस बिल को रोकने के लिए वो कर सकते थे, विलंब करने के लिए जो कर सकते थे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी उनने अंत तक। आप अंदाजा लगाइए कब से बिल पारित हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में और महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां से इसका नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी यहां से क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा गया 50-50 दिन बाद भेजा गया। और वहीं केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून के लिए किए गए इसमें संशोधन का देशभर के ट्रक ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं और ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी शिमला में 12 पेट्रोल पंपों में से 9 पेट्रोल पंप में लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। शहर के केवल 3 पेट्रोल पंप में ही तेल की आपूर्ति हो पा रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। वहीं शिमला शहर के पेट्रोल पंपों में वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं शिमला में तारा हॉल स्थित पेट्रोल पंप के बाहर बीते कल से तेल भरने के लिए वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। वहीं पर्यटकों और आम लोगों ने बताया कि तेल भरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे खासी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। वहीं एचपी पेट्रोलियम शिमला के ऑफिसर मैनेजर जगदीश शर्मा ने बताया
कि फिलहाल उनके पास पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। बीती रात ही 12 बजे 12,000 लीटर का टैंकर पहुंचा है और फिलहाल सभी को बिना किसी लिमिट के तेल दिया जा रहा है। दो घंटे तो हो चुके यहाँ लाइन में, हमें मुश्किल तो यही है कि हमने जाना गाजियाबाद, तेल हमारे पास था नहीं, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सोच भी नहीं सकते थे। खैर अब ये अच्छी बात है कि इस पेट्रोल पंप पे तेल मिल रहा है और कोई लिमिट भी नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि सिर्फ 500 रुपए का लीटर लाएंगे तो आगे जाके फिर हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छा है कि यहाँ लिमिट नहीं है, तेल पूरा दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने काफी अच्छा सिस्टम यहाँ करवा दिया है। वैसे हम इसी चक्कर में जब हम प्रोग्राम बना रहे थे 3 बजे यहाँ से निकलेंगे, हमें 10 बजे निकलना पड़ा, पता नहीं कितनी देर लगेगी पेट्रोल में, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा, दिक्कत तो आई। एक घंटा हो गया, एक घंटा हो गया। और जगह भी गए कहीं पेट्रोल पंप में? नहीं अभी यहीं पता किया, आगे पता नहीं किया, पर सुना है बंद हो रहे हैं पेट्रोल पंप। दिक्कत तो है? हाँ दिक्कत है। अभी कल से तलाश रहे तेल या आज ही? नहीं नाइट को रुके थे हम, पता लगा, मैंने कहा तेल डलवा लेते हैं, बाद में क्या होता कब मिलेगा तेल। आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए, ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले खड़े तो हैं लेकिन पैरेलल दूसरी लाइन खड़ी हो जा रही है, बीच में आके बोल रहे हैं इमरजेंसी इमरजेंसी करके बीच में घुस रहे हैं, उससे डबल टाइम लग रहा है। हमारा जितना तेल था हमने दिया, कल भी हमारा जो टैंकर आया हमने पूरा 4:30 बजे तक हमारा स्टॉक खाली हो गया, हमने सबको दिया तेल और रात को हमारा टैंकर पहुंच गया, अभी सुबह भी हम देने लगे। अभी हमारे पास टैंकर पहुंचा है, हम दे रहे हैं, 12,000 किलो है हमारे पास और गाड़ियों की लाइन लगी है। हमारे पास पुलिस की व्यवस्था अच्छी रही, 6 कर्मचारी हमारे पास सुबह से लेकर रहे लाइन में, उन्होंने बड़ी व्यवस्था बनाए रखी और अभी भी हम दे रहे हैं तेल, जितना लोगों को चाहिए हम सबको दे रहे हैं और जब खाली होगा तो अगर टैंकर आएगा तो और भी देते रहेंगे। और बिलासपुर जिले में ट्रक चालकों की हड़ताल से पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है, जिसके कारण स्थानीय जनता और पर्यटकों को दर दर भटकना पड़ रहा है। दरअसल नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग बिलासपुर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर हजारों की संख्या में बाबा बालकनाथ दियोटसिद्ध में सैलानी बाहरी राज्यों से पहुंचे हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल के टैंकर नहीं आने के चलते पेट्रोल पंप में वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और कई पेट्रोल पंपों में तेल भी अब खत्म हो गया है। और पेट्रोल पंप बिलासपुर घुमारवी झंडूता और सुनहाड़ी में तेल खत्म हो गया है, जिससे मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। ऐसे में अब सैलानियों को इस बात की चिंता सता रही है कि वो गाड़ी में तेल न होने के चलते किस तरह से वापस अपने घर पहुंच पाएंगे। जो हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा और जुर्माने का जो प्रावधान है उसके विरोध में जो ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं, उनके हड़ताल पर जाने की वजह से कई जगहों पर आवाजाही रुक गई है, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी जा रही है, फल सब्जी दूध कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है, सब्जियों की सप्लाई रुकने से थोक मंडी तक गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, इससे सब्जियों और आम जरूरतों की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि हिट एंड रन कानून पर विचार करके इसे वापस लिया जाए। और वही ट्रक चालकों के लिए बने कानूनों के विरोध में बद्दी और नालागढ़ में ट्रक चालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कानून रद्द नहीं हुआ तो चालकों को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। ट्रक चालकों के लिए बने नए कानूनों के विरोध में बद्दी और नालागढ़ में ट्रक चालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं चालक संदीप ने बताया कि यदि ऐसा होता है तो चालक को अपना काम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। यदि दुर्घटना होने पर चालक मौके पर रहता है तो भीड़ उसे पीट कर मार डालेगी और 10 साल की सजा के साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना चालक कहां से भरेगा। चालक मनी ने कहा कि एक चालक को 5,000 रुपए वेतन मिलता है, वो अपना परिवार चलाएगा या फिर जुर्माना भरेगा। बढ़िया ड्राइवर आदमी है, अपनी मजदूरी से पेट भर रहे हैं, इससे ही हमारा मेन रोजगार है। इसमें भी हमारे ऊपर सरकार ने जो ये कानून पास किए हैं, हमारी 5,000 रुपए सैलरी है 24 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद भी हम पे 5-7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 5-10 साल की सजा जो जुर्माना होगा उसकी पूर्ति हम कहाँ से करेंगे।
हम अपने बच्चों को पढ़ाने खाना पिलाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे मजदूरी में से, उसके ऊपर से ये जुर्माने दिए या भरे जा रहे हैं, हमारे ऊपर कहाँ से भरेंगे हम जुर्माने जी। मैं ये कहना चाहूंगा जैसे काले कानून बनाए हैं जी, सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे हित में नहीं है। एक तो हमारी सैलरी बड़ी कम होती है, जो मेन चीज है ना जी, जैसे ड्राइवरों की सैलरी होगी, ड्राइवरों का बीमा हो गया, इस बारे में किसी की कोई भी सुनवाई नहीं किसी भी सरकार की, और ऊपर से ये काले कानून बना दिया। ट्रक ड्राइवरों का साल मजबूरी में कर रखी है, करना पड़ रही है, जो काला कानून केंद्र सरकार ने हमारे लिए लगाया हुआ है। किसी ड्राइवर से कोई मिस एप्लीकेशन। और शिमला में हुई अहम बैठक के बाद से एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हर्ष ओब्रॉय ने कहा कि कमीशन और मानदेय में बढ़ोतरी की मांग वर्तमान में 143 रुपए मिल रही है। कमीशन हिमाचल के डिपो होल्डर्स ने मांगे पूरी करने के लिए, इनकी मांगों को पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया है, उसके बाद से हड़ताल पर जाने का फैसला लेने की बात कही। जो हमारी एसोसिएशन है उन्होंने 1 से लेकर 15 तारीख तक टोटल एफपीएस बंद करने का ऐलान किया हुआ था, तो हमने भी पहले तो हम इस हड़ताल में शामिल थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और हमारे जो यहाँ पर जितने भी ऑफिसर हैं उन्होंने हमें बुलाया था और बोला था कि आपकी जो भी डिमांड है वो हम आपकी सुनेंगे और आप हड़ताल में मत जाओ, तो हमने हमारे। और सोलन पुलिस की चिट्टा तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। सोलन पुलिस ने एक नाइजीरियन चिट्टा तस्कर को सोलन में युवाओं को चिट्टे की सप्लाई करता था, उसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सोलन पुलिस ने इस वर्ष बाहरी राज्यों के 79 आरोपियों जिसमें से 69 बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिला पुलिस ने नशा तस्करी के 108 मुकदमे दर्ज करके 232 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि सोलन पुलिस ने 2 आरोपियों के बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर दिल्ली से एक अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है, जो कि बड़े स्तर पर हिमाचल में चिट्टा युवाओं को बेच रहा था। थाना में दर्ज इस मामले में निर्भन निवासी 2 आरोपी शुरुआत में गिरफ्तार किए गए थे, जिनसे 21 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया गया था, और उसके बाद इसमें एसआईटी गठित करके आगामी जांच की गई। इसमें एक अन्य निर्भन निवासी को जो फाइनेंशियल मैनेजर था और उसको भी गिरफ्तार किया गया, और इसके अलावा 3 अन्य आरोपी जो बाहरी राज्य से हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और इसमें जो मुख्य सरगना प्रदीप सरवाल था जिसके एसोसिएट्स के बैंक अकाउंट से 4.5 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन थी, इसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ 5 मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।